नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनहित आवाज और मैं हूं राशिद। कोरोना काल में लोग किस तरह बर्बाद हुए ये हम सबने देखा। 3 साल हो गए लेकिन आज भी लोगों की जिंदगी पटरी पर नहीं लौटी है। आदमी बड़ा हो या छोटा हो, बर्बाद सभी हुए हैं। सब अपने अपने तरीके से उन्होंने कैसे अपने आप को मैनेज करा है ये सब अपनी जिंदगी में जानते हैं। काम धंधे लोगों के चौपट हो गए, कारखाने से लेकर फैक्ट्रियां तक बंद हो गई है, लोगों की जिंदगी कर्जे में आ गई है। छोटे स्तर के लोग हैं वो कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, लोगों से कर्ज मांग मांग कर अपने घर चलाए हैं। तो वहीं दूसरी ओर सरकार और प्रशासन की लापरवाही भी इसमें खूब देखने को मिली। हालांकि उन्होंने प्रयास बहुत किए लेकिन ये कोरोना काल में महामारी इतने बड़े स्तर पर थी कि सरकार की सुविधाएं भी इसके आगे फेल होती नजर आई। इलाज में कमी, सुविधाओं में कमी, ऑक्सीजन में कमी, ना जाने इसकी वजह से कितनी जाने चली गई। वहीं दूसरी ओर लोगों को जो बीमार थे उन्हें किस हालत में लेके गए, कोई अपनी सड़कों पे ऐसी पैदल ले जा रहा है, कोई रिक्शे में ले जा रहा है, कोई साइकिल पर डेड बॉडी ले जा रहा है। तो वहीं हमने बखूबी देखा कि किस तरह से लाशों को गंगा में बहाया जा रहा है। क्या आप उस जितनी भी ये जाने गई उनको गिन पाएंगे? आप सही आंकड़े पे पहुंच पाएंगे? अब इस मामले में WHO ने एक दावा पेश किया है जिसमें कहा गया है कि भारत में कोरोना काल में 47 लाख से ज्यादा जाने गई हैं। अब ये खबर, ये दावा या ये आंकड़ा भारत सरकार को हजम नहीं हो रहा। आखिर क्यों हजम नहीं हो रहा, मैं आपको बता दूं। इसमें एक खबर आई है, कोरोना की वजह से मौतों को लेकर WHO ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक 47 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं भारत का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 5 लाख से कुछ ज्यादा का है। ऐसे में भारत सरकार जो है वो बौखला गई है। आके WHO ने ये क्या कह दिया है, WHO की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करा दी है, उसका विरोध हो रहा है, बात बिल्कुल ये गलत बताई जा रही है। अब सरकार से ये सवाल बनता है कि अगर आप इस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो किस आधार पर दर्ज करा रहे हैं? अगर WHO की रिपोर्ट गलत है तो आपकी रिपोर्ट सही है, आप इसके सबूत पेश करिए, आप ऐसे आंकड़े पेश करिए, आप ऐसी रिपोर्टें पेश करिए जिससे पता चल सके कि आपके आंकड़े सही हैं और WHO के आंकड़े गलत हैं। या फिर जो WHO जिस दावे से कह रहा है उसके सबूत मानिए, उसके आंकड़ों पर नजर डालिए कि आखिर वो क्या क्या रहा है। क्या भारत सरकार उनका आंकड़ा देगी जिनकी जाने घरों में चली गई, जिनकी जाने अस्पतालों के बाहर चली गई, जो अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाई? कितनी ऐसी जाने हैं ना जाने आप देख रहे होंगे। या उनका आंकड़ा पेश करेगी जिनकी डेड बॉडियां ऐसी गंगा में बहा दी गई? बहुत सारे मामले हैं साहब, आप क्या क्या सोचते हैं? सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि WHO द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो सिर्फ 17 राज्यों को लेकर हैं। केंद्र के मुताबिक वो कौन से राज्य हैं, केंद्र ये सवाल भी कर रहा है और WHO ये कह भी रहा है कि वो केवल 17 राज्य हैं। अगर पूरे भारत के आंकड़े दिखा दिए जाए तो मामला 47 लाख से और ऊपर चला जाएगा, जिसमें सरकार की किरकिरी और बढ़ जाएगी। आगे सुनिए, WHO द्वारा लंबे समय तक वो स्पष्ट नहीं किया गया था, अब ये भी नहीं पता कि ये कब के आंकड़े किए गए थे। इसके अलावा सरकार ने इस बात पर भी आपत्ति दर्ज करवाई है कि WHO ने मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल करते हुए ये आंकड़े जुटाए हैं, जबकि भारत द्वारा हाल ही में विश्वसनीय CSR रिपोर्ट जारी की गई है। WHO की रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसमें जो बताया गया है, 2 सालों में 1.5 करोड़ लोगों की कोरोना या फिर समय पर इलाज ना मिलने से जान गई है। आप देख रहे हैं कि आंकड़ा कितना बड़ा है, 1.5 करोड़ लोग, जिसमें भारत के आंकड़े की अगर बात करें तो वो 47 लाख से ज्यादा है जिसमें कोरोना काल में जान गई है और इलाज ना मिलने के कारण जान गई है। अब सरकार क्या ये आंकड़े पेश करेगी? WHO ऐसा नाम है कि वो पूरे देश भर, पूरी दुनिया भर की रिपोर्टें वो उजागर करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, और उस तमाम दावे पेश करता है। लेकिन अगर आप उसकी बात को डिनाई करते हैं तो आपके पास क्या सबूत है कि आपकी आपके आंकड़े को सही माना जाए? आप आंकड़े दिखाइए कि कितने लोगों की जान गई है, कितनी धांधली हुई है कोरोना काल में, हमने कितनी धांधली देखी, आप सबने देखा, तमाम मीडिया चैनलों ने दिखाया कि किस तरह से अस्पतालों में बॉडी ऑर्गेन्स बेचे गए, किस तरह से लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया गया, ऑक्सीजन अपने पैसे से 10-10, 20-20 गुना ज्यादा कीमतों पर बिके। ये क्या दिखाता है? क्या आपने मजबूरी में
जो सुविधा देनी चाहिए थी उसका आपने इंतजार किया, जो सुविधा देनी चाहिए थी आप पहले से उसके लिए तैयार थे, जब आपको पता था कि इतनी बड़ी महामारी हमारे देश में कदम रखने वाली है तो उसके लिए आपने तैयारियां पहले से क्या की हुई थी। आपको ये भी आंकड़े रखने चाहिए, आपको ये भी सबूत देने चाहिए कि जब पूरी दुनिया में कोरोना काल कोरोना महामारी फैल रही थी उस वक्त आप अपने नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम चला रहे थे, जब ये महामारी हमारे देश में कदम पसार रही थी उस वक्त आप मध्य प्रदेश की सरकार बनवा रहे थे, ये भी जांच में दिखना चाहिए, ये भी रिपोर्ट कार्ड में दिखना चाहिए और उसके बाद आंकड़े निकलने चाहिए कि कितने लोगों की जान गई। उसके बाद आपको कहना चाहिए कि WHO जो उसने दावा किया है वो गलत है और आपका दावा सही है। ऐसी तमाम बातें हैं, ऐसे और मामले हैं, अगर आप देखेंगे आप जानेंगे आपको पता चलेगा। लेकिन हमारे देश की मीडिया जो हिंदू मुस्लिम में आपको उलझाते हुए रखती है, मंदिर मस्जिद में आपको लोगों को उभरने नहीं देती, वो चाहती है कि ये कुछ कौमें हैं जो आपस में इसी में लड़ते रहें और अपने हक की बात ना करें, देश के विकास की बात ना करें, देश के असल मुद्दों की बात ना करें, सरकार की किरकिरी तो बिल्कुल भी ना करें। ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आप लोगों को जरूर जानने चाहिए। बहरहाल अब देखते हैं कि आखिर भारत सरकार अब इस दावे के आगे और क्या कहती है, कुछ सबूत पेश करती है, कुछ आंकड़े निकालती है, या फिर WHO ने जो दावा किया है उसे हवा में ही गलत साबित करती है। देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनहित आवाज। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।